गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 8। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन, राइट। योर क्वेश्चन नंबर इज फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, टू डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन करने पे जो नंबर गेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, राइट। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। सी द सॉल्यूशन। अब देखिए, हम इस 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं, राइट। जब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उसे अपॉन 2 करके अब हम क्या कर सकते हैं? 2, राइट। अब 4 2 आपका क्या हो गया? 8/10, राइट। और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जितने जीरो होते हैं उतनी डिजिट्स के आगे क्या पहले क्या लग जाता है? डेसिमल। तो 10 है तो 10, तो ये क्या आ गया आपका? 0.8, राइट। अब सेकेंड चीज, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इसमें क्या होता है आपका? पॉइंट डेसिमल 4, सबसे पहले आप डेसिमल को एक बार भूल जाइए, और 4 2 से क्या हो गया? 8, राइट। अब कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 डिजिट से पहले ही है, तो 1 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे? डेसिमल, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन इज 9.21 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंपली डेसिमल को एक बार आप भूल जाइए, ठीक है। 2 2 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 आर 18, राइट। अब कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है? डेसिमल के बाद कितनी? 1 2, तो हम 1 2 के पहले क्या लगा देंगे? डेसिमल, राइट। कितनी डिजिट से पहले बाद है डेसिमल? 1 2 के बाद, हम भी 1 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या होगा? 9 2 1, अब डेसिमल के बाद कितनी? 2 0, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा दिया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या आया हमारा? 1842 मल्टीप्लाई करने पे 100। अब ये कितने जीरो है? 20, तो हम क्या लगा देंगे? 20। जैसे 20 है तो हमने राइट हैंड साइड से हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और फिर क्या लगा देंगे? डेसिमल, राइट। देन नेक्स्ट इज 0.06 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें हम क्या करेंगे? 3 6 18 आ गया, ठीक है। अब कितनी डिजिट्स के पहले डेसिमल है? 2 डिजिट्स है, तो हम यहाँ पे क्या लगा? 0, और ये लग गया आपका 0, राइट। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है। 7.4 फर्स्ट इज 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसका पता है, जब हम 100 और इसमें ये करते हैं तो सबसे सिंपल होता है। मान लिए देखिए, फर्स्ट मेथड इसमें भी हम यही लेते हैं, ठीक है। 7 4 लिखा और हमने ये 10 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, राइट। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 4 0 आया और ये 10 आया, तो अब ये 10 से 10 कट सकता है ना, तो हमने क्या आ गया? 74 आंसर आ गया हमारा, राइट। अब इसी में हम सेकंड मेथड ले लें। मैंने क्या कहा था? सेकंड मेथड में हम पहले एक बार डेसिमल भूल जाते हैं, तो हमारा क्या आ गया? 7 4 0 आ गया, राइट। अब कितने डेसिमल के बाद डिजिट है? 1 के बाद, तो हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। हम इसको 74 भी लिख सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज 6.35 मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार हम डेसिमल को भूल जाते हैं, राइट। अब कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 2, तो 1 2, ये डेसिमल हमने यहां लगा दिया, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, राइट। लिख सकते हैं 6350, क्लियर। अब देन सेकंड, टू डेसिमल 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको विदाउट डेसिमल एक बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो 0 लग जाएगा। अब कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 2 डिजिट, तो 1 2 के बाद हमने लगा दिया, राइट। तो डू एक्सरसाइज 8 इन योर नोटबुक। थैंक यू।